Hey guys, welcome back to the channel. एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा PS5 का आर्केड स्टिक जॉयस्टिक और PS4 का भी दिखाऊंगा। यदि आप उसे बाय करना चाहते हैं तो क्या देखकर आपको बाय करना है, चाहे आप मुझसे बाय करें चाहे आप मार्केट से बाय करें। आर्केड स्टिक नई नई आ चुकी है मार्केट में और सबके पास PS5 नहीं होता चेक कराने के लिए, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप, यदि आपके पास PS5 नहीं भी है तो भी आप पता लगा सकते हैं कि जो आप स्टिक मिलने वाली है आपको जेन्युइन है या नहीं है। तो मैं कैमरे को करता हूँ फ्लिप। गाइस, ये दो स्टिक है मेरे पास में, एक PS4 की है और एक PS5 की है। ये जो है ये PS5 की है और ये जो आप देख रहे हैं PS4 की है। ये दिखने में सेम है, इनके फंक्शन सेम है, कीपैड के नेम सेम है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि जो हम बाय कर रहे हैं PS4 की स्टिक है या PS5 की स्टिक है। सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, इसके दो मेथड है जिससे कि आप टेस्ट कर पाएंगे कि जेन्युइन है या नहीं है। तो मैं आपको जो है इसके बारे में जानकारी देता हूं। मैं कैमरे के सामने आता हूं और आपको पूरी जानकारी। पोर्ट है आपका, आपको सिंपली क्या करना है, यहां से USB to USB केबल कनेक्ट करनी है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको जाना है जॉयस्टिक के ऑप्शन पे। जब जॉयस्टिक के ऑप्शन पे जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में आप चेक करेंगे, यदि वो PS5 का जॉयस्टिक है तो वहां पर ड्यूल सेंस वायरलेस कंट्रोलर लिखा हुआ आएगा, ठीक है जी। और यदि आप PS4 का इसी प्रोसीजर से चेक करेंगे तो आप जब आप USB कनेक्ट करके चेक करेंगे सेम प्रोसीजर में जाके, तो ये दिखाएगा आपको वायरलेस कंट्रोलर, ठीक है जी। और इससे भी आसान मेथड मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। हर किसी व्यक्ति के पास में एक मोबाइल होता है, आपको मोबाइल को ऑन करना है, आपको ब्लूटूथ को ऑन करना है, ठीक है जी। जैसे ही आप ब्लूटूथ को ऑन करेंगे आपको शेयर और PS दबाना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे आप देखेंगे इसमें एक लाइट जो है वो ब्लिंक करने लग जाती है, आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर एक ब्लू कलर की लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है, ठीक है। यहां से भी हल्की हल्की दिख रही है, अभी लाइटें ज्यादा इसलिए नहीं दिख पा रही, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं और आप इसको स्कैन बटन दबाते हैं, यहाँ पे लाइट जो है हमने आपको दिखाई थी वीडियो में ब्लिंक करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ड्यूल सेंस वायरलेस कंट्रोलर, आप देख पा रहे होंगे इसको आसानी से। अगर ये फोकस नहीं हो रहा तो मैं एक बार फिर से फोकस कर लेता हूँ। देखिए आ गया, मैं जैसे इसको टैप करूंगा ये जो है ये कंट्रोलर इससे क्या होगा पेयर हो जाएगा। देखिए ये पेयर हो चुका है, अब मैं इसको देखिए डाउन करूंगा तो ये मेरा जो है कंट्रोलर काम कर रहा है। ये तो हो गया पेयरिंग का, लेकिन आपको चेक करना है ये देख के कि अगर आपका PC नहीं है तो आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना है। इसी के साथ में देखिए मैं आप इसको भी जो है ऑन कर रहा हूं, देखिए इसी के साथ में मैं इसको भी ऑन कर रहा हूं और इसका भी मैंने PS और शेयर एक साथ दबाया है और यहाँ पे जो है लाइट ब्लिंक करने लग जाती है। और जब लाइट ब्लिंक करती है तो मैं इसको दोबारा एक बार स्कैन के लिए दबाता हूँ, तो देखिए अगर PS4 का होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा, ये देखिए वायरलेस कंट्रोलर लिखा हुआ आ गया। PS4 जो है वो वायरलेस कंट्रोलर शो करता है और जो PS5 का कंट्रोलर है वो ड्यूल सेंस वायरलेस कंट्रोलर शो करता है। तो ये थी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है, देख सकते हैं ये हमने जो है ये बना दिया है। यदि आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ये मिलेगा आपको 9500 रुपए का, और ये जो हमारा PS4 का जो स्टिक है आप देख सकते हैं ये मिलेगा आपको 4500 रुपए का। मैंने इसमें दोनों में डिफरेंस बता दिया है, हालांकि PS5 लेटेस्ट चल रहा है और टेकन 8 के लिए जो है मेरे पे बहुत सारी डिमांड आ रही थी तो मैंने इसको बना दिया, आप इजीली बाय कर सकते हैं। इनकी वारंटी है, 12 घंटे का इसका प्ले टाइम बैकअप है, आप इसको ले सकते हैं। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना याद रखिए ताकि ऐसे ही आर्केड कंटेंट आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।